सोमवार यानी जनता दरबार का वक्त और आज लोगों की फरियाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनते हैं, लेकिन आज हम 10 सर्कुलर आवास के बाहर खड़े हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के निवास स्थान का है। यहाँ जो भीड़भाड़ है और तमाम जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुँचे थे, अपनी फरियाद सुनाने के लिए पहुँचे थे। हालांकि आज तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जनता दरबार के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन तेजस्वी रोहतास निकल गए। आपको बता दें कि रोहतास में पहली बार केंद्रीय मंत्री के साथ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। यह मौका है रोहतास और झारखंड को जोड़ने वाला एक सड़क पुल के निर्माण का। बता दें कि भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी होंगे, बीजेपी के तमाम सांसद और पार्टी के विधायक वहां मौजूद होंगे, बड़े नेता मौजूद होंगे, साथ ही साथ महागठबंधन से भी कई जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल होंगे और उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का है। तेजस्वी खुद जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब यहाँ से जा रहे थे उसके पहले उनसे मिलने वाले लोगों की जो लाइन है, कतारें हैं, वो दिख रही है कि किस तरीके से यह कतारें तेजस्वी यादव को अपनी शिकायत देने में जुटी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में चिन्हित लोगों को ही जो है एंट्री दिया जाता है, वही लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुँच पाते हैं। जो लोग सिस्टम और सरकार से नाराज होते हैं वो अपनी समस्या लेकर अन्य मंत्रियों के दरबार में पहुंचते हैं और ऐसे में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास जो लोग फरियाद लगाने पहुंचे थे तेजस्वी उन लोगों से रुक कर उनकी आवेदन लिया और फिर रोहतास के लिए निकल गए। पटना एयरपोर्ट से तेजस्वी हेलीकॉप्टर के माध्यम से रोहतास जाने वाले हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और फिर वापस आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो नियुक्ति पत्र बांटने वाला कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के पास भी लोग फरियाद लेकर पहुंचते हैं। देखिए किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक फरियादियां बैठे रहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समस्या लेकर पहुंचते हैं, कुछ लोग लिखते हैं और अपनी आवेदन तेजस्वी यादव के पास पहुँचाते हैं। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो फरियादियाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, पटना से निकल चुके हैं, लेकिन फरियादियों की जो शिकायत है वो कम नहीं हो रही है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हर दिन सुबह से लेकर देर शाम तक फरियादियों की कतार कमोबेश इसी तरीके से नज़र आता है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर की भी तस्वीरें इसी तरीके से हैं, क्योंकि जो लोग नीतीश के पास अपनी शिकायत नहीं कर पाते हैं सिस्टम और सरकार की और जो व्यक्तिगत समस्या होता है अगर उसका निदान जनता दरबार में नहीं होता है तो तेजस्वी यादव के पास लोग पहुंच जाते हैं अपनी फरियाद लेकर। देखना है कि तेजस्वी यादव से जो लोग फरियाद करने पहुंचते हैं उनकी फरियाद पर तेजस्वी क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने जनता दरबार में लोगों से मिलकर सिस्टम और सरकार की जो शिकायतें आती है उसका निपटारा करते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जब पटना से निकल रहे थे घर से बाहर समर्थकों से मिल रहे थे, जो सिस्टम और सरकार से नाराज लोग थे उनसे मिल रहे थे और जो लोग फरियादी पहुंचे थे उन सभी के आवेदन दस्तावेज भी तेजस्वी ले रहे थे। रुक जाइए ना यार, अगर मिलना हो तो सर वाले नहीं उठता है।